दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस का घर कंट्रोवर्सी का घर है और यहाँ पर आए दिन लोग पलटी मारते नजर आते ही रहते हैं। हमने आपको बताया था कि कौन कौन कंटेंडर्स रहने वाले हैं इस बिग बॉस के घर में, लेकिन एक और ट्विस्ट इस गेम के बीच में आएगा। दोस्तों जहाँ पर आसिम और अरहान एक बार भी बाहर नहीं आ पाएंगे, तो बिग बॉस जो है आसिम और अरहान को देने वाले हैं एक स्पेशल पावर, यानी कि सभी घर वाले जो कि उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहते, इस चक्कर में विशाल आदित्य सिंह को भी गांव वाला बना दिया जाएगा। यानी विशाल आदित्य सिंह जो ऑलरेडी राक्षस थे वो गांव वाले बन जाएंगे। इसके साथ साथ अब अरहान और आसिम में से किसी एक को बाहर निकलना होगा और उनका फेट डिसाइड करेगा कि कैसे बन सकते हैं वो कैप्टन और वो किसे बनाना चाहते हैं कैप्टन। यानी कि आज होने वाला है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबला। आपको बता दें कि शुरुआत में विशाल आदित्य सिंह सबसे ज़्यादा बाहर आने लगेंगे, वो इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की जो पूरी टीम है वो अरहान खान का रास्ता ब्लॉक करने में लगी रहेगी। वहीं बात करें रश्मि की टीम, तो वो ब्लॉक करने में लगे रहेंगे आसिम का रास्ता। और इस तरीके से एक भी बार ना आसिम ना ही अरहान खान उस सुरंग से बाहर आ पाएंगे। और इन तीनों राक्षसों के अंदर से सिर्फ एक ही राक्षस बाहर निकलेगा, वो होने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह। यहाँ पर विशाल आदित्य सिंह को पट्टी बढ़ाते हुए सिद्धार्थ शुक्ला कई बार नजर आए और कई बार उन्होंने उन्हें कहा कि वो रश्मि का जो प्लेट है उसे फोड़ देंगे। घर के अंदर पारस और माहिरा भी चाहते हैं कि सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला की प्लेट को तोड़ा जाए, जहां हमने कल के एपिसोड में देखा था कि खेसारी लाल यादव की प्लेट सबसे पहले टूटी थी, वहीं अब एक एक करके सबकी प्लेट टूटने वाली है। और विशाल आदित्य सिंह गांव वाले बनने के बाद घर के अंदर जो राक्षस बनेंगे उन्हीं के ऊपर होने वाला है सारा दारोमदार। वहीं इसके अलावा बिग बॉस ने ये भी कहा था कि कोई भी इंसान जो दूसरा बजर यानी राक्षस की हंसी बजने पर सुरंग के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ना ही उनका रास्ता रोक सकता है, वो किसी भी तरीके से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर रश्मि और देवोलीना जो है आसिम के पूरे रास्ते पर बैठ जाएंगे और उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देंगे, जिस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि के बीच बहुत ज़्यादा आनाकानी भी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर संचालक बनी है शेफाली जरीवाला और माहिरा और शेफाली जरीवाला के बीच में भी हमें धक्का मुक्की देखने को मिलेगी। अब बिग बॉस का टास्क और धक्का मुक्की ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले टास्क से ही हमने सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ देखी हैं और ये टास्क बिना लड़ाई के चला जाए ये कैसे होने देगा कोई। अब इसके अलावा घर के अंदर बहुत सारी जद्दोजहद के बाद चार दावेदार बनेंगे, यानी चार कंटेंडर बनेंगे इस कैप्टेंसी के लिए। वो होने वाले हैं विशाल आदित्य सिंह, देवोलीना भट्टाचार्जी, माहिरा और इनके साथ पारस छाबड़ा। अब कौन बनता है घर का अगला कैप्टन आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप कमेंट करके अपनी राय बताएं, सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।